कबीर गार्डन, आज हम आए हैं वादी कबीर गार्डन। ये पार्क में घूमने के लिए आए हैं। आज नाइट का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं। मम्मी, ये देखिए मम्मी, नदीम भाई है और ये हमारे मोहम्मद भाई, आपको जो पहले भी मैंने इंट्रो कराया था इनका, तो ये आज हमारे साथ आए हैं, हमारे मेहमान बन गए वादी कबीर में। तो हम इनको घुमाने के लिए वादी कबीर पार्क में लेके आए हैं। तो देखिए पीछे का नज़ारा, कुछ बोलिए नदीम भाई, आप क्या काम करते हो इधर? हम तो डेकोर का काम करते हैं और याकूब भाई के पास में आए हैं, देखते हैं कितने दिन रुकते हैं या कल चले जाते हैं या परसों। नहीं यार, रुको, आए हो तो दो तीन दिन रुको। हाँ, और मोहम्मद भाई आप क्या क्या काम करते हो? डेकोर का, पेंट वगैरह क्या क्या काम करते हो? जोर से बोलो थोड़ा। डेकोर और बिल्डिंग लाइन का भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ का और काम कैसा है? अच्छा है, अच्छा है काम। और यहाँ के उमानी लोग कैसे, पसंद आए आपको? पसंद आया। चलो उमानी लोग पसंद आए। कैसा लगा दोनों को? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, फोटो खींचने को भी दिल कर रहा है सच में। वैसे आप कहाँ कहाँ घूमे हो पहले? माबिला घूमे। नहीं नहीं, दूसरी कंट्री माबिला तो है। कतर जाते हैं और दुबई। चार महीना रह के तो आपको ओमान अच्छा लगा, कतर अच्छा लगा या दुबई अच्छा लगा? ओमान अच्छा लगा। कितने साल हो गए आपको इधर? डेढ़ साल पहले रखेगा, अभी चार महीने हो गया है। चलो ठीक है ठीक है। देखिए वादी कबीर गार्डन, इस गार्डन का बचपन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं टूरिस्ट में आया था, जब मैं कम से कम 5-6 साल का था, तो वो टाइम पे गार्डन में मम्मी लोग के साथ में आया था, तो बचपन जुड़ा हुआ है गार्डन से मेरा। वो टाइम पे इधर बहुत अच्छा और खेलने का चॉइस वॉइस का सिस्टम बहुत अच्छा था, अभी तो नहीं इतना, झूले वूले पहले थे इधर लेकिन अभी तो नहीं है। अभी कोरोना के आने के बाद में तो एकदम से ये गार्डन ऐसा समझो बस पिकनिक पार्क रह गए हैं अभी, ये पहले का जैसा अभी इतना नहीं है। तो इंडिया में हम तांगा बोलते हैं जिसे, वो तांगा इधर है। तो फ्राइडे को हम आएँगे और तांगा की सवारी करेंगे। इंग्लिश में इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स राइडिंग। तो फ्राइडे को हम हॉर्स राइडिंग करेंगे इधर। तो फ्राइडे को आएंगे और तांगा में घूमेंगे हम। और राजस्थानी भाषा में तांगा ही बोलते हैं, मेरे को तो इतना ही याद है, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ याद नहीं है। तो आएँगे फ्राइडे को और तांगा का भी इंजॉय, तांगा में बैठ के भी इंजॉय करेंगे। ये हमने बोला था घोड़ा गाड़ी तो घुड़सवारी के लिए, तो है अभी अभी मिला हमको, मैं देखा तो मिल गया। तो ये 500 पैसा पर मंथ का लेता है, मैं डर गया। देखिए घोड़ा गाड़ी, ये हमारे अंकल है जो पाकिस्तान से है, ये घोड़ा गाड़ी चलाते हैं। देखिए ये तांगा की सवारी करते हैं वादी कबीर के गार्डन में। तो ये देखिए अंकल जी खड़े हैं यहाँ पे और हम तांगा की सवारी करेंगे अगले जुम्मे। तो अगले जुम्मे का जो राजस्थान में भी तांगा बोलते हैं इसको, तो गाइस तो पाकिस्तान और इंडिया की लैंग्वेज करीबन सेम सेम ही है, तो हम राजस्थान में इसको तांगा बोलते हैं। कोई ज़माने पहले वहाँ पे हमने बहुत तांगा में सवारी की है। ये देखिए गाइस, ये लोग खेल रहे हैं।